हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया आपने। अब देखिए, ये जो है एक्सरसाइज 5.3 का पहले के दो क्वेश्चन लिखे हैं। पहले का पहला और फोर्थ है ना। फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन इज टू एन बाई टू ए प्लस एल। एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म है, पदों की संख्या। डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, सार अंतर। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, पहला पद। और एस एन हमारा योग है, और एल हमारा लास्ट टर्म है, अंतिम पद है। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, या तो ये पहले वाले में ये। तो मैंने लिख लिया बेटा, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और डी की वैल्यू ए टू माइनस ए वन, और डी यहाँ पर क्या होता है, हाँ, ए टू माइनस ए वन आ गया आपका 5। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर फॉर्मूले में अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्लास 10th चैप्टर 5.5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखिए, एस एन एन बाई टू, एन कितना है बच्चा, 10। तो यहां पे रखेंगे 10 बाई टू, 2 इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी बच्चा, एन माइनस वन, 10 माइनस माइनस वन, डी की वैल्यू बच्चा। अब देखो, अब आप क्या करोगे बच्चा, यहाँ पे जैसे तो भी कोई भी टर्म, चलो पहले देख लेते हैं, ये कितना आएगा, 4 और प्लस 9, 9 इंटू 5, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको। इसको काट दोगे तो कितना आएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 और 5, 45, 5 और 4, है ना, और 9 पचे 45 और 5 चौके 20 और 4, आंसर, ठीक है, आ गया इजीली, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, सर नोट कर लो जल्दी फटाफट फास्ट। अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, पीछे बैठ जाओ, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताएं, ठीक। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो हो जाते। चलो जी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 बाई अपॉन में आ रखा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टफ सा लिया, आपको लगे कि भैया किस तरीके सॉल्व करेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1 बाई डी हमारा क्या होगा बच्चा, ए टू माइनस, तो 1 बाई 12 माइनस 1 बाई कैल्शियम, एल्शियम ले लो, हाँ जो भी समझ लो यार, ठीक है, हाँ इधर से इधर, इसकी गुणा इसमें करते हैं, इसकी गुणा इसमें करते हैं, इसकी गुणा, वैसे एल्शियम भी निकाले कर सकते हैं आप, ठीक है। 15 में से 12 गए, कितने बचेंगे, 3 पंजे 12 पंजे 60, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एन कितना बा, 11। क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं ना, कुछ इंग्लिश में बोला करो भाई, हिंदी हिंदी मीडियम वाले बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं है क्या मेरी, ये बताओ भाई, हिंदी में अगर पहाड़ा बोल लें तो क्या दिक्कत है, सही बात। आप इंग्लिश में पढ़ो, एस एन एस एन इज टू क्या होगा, ठीक है, हाँ। अब देखो, बातें नहीं प्लीज बेटा, मेंटेन साइलेंस, बहुत बातें करते हैं आप लोग, बातों नहीं बन गए। एन की वैल्यू क्या होगा बच्चा, ए की वैल्यू बच्चा, एन 11 है, डी का है, यहां तक किसी को डाउट तो आ रहा, खुशी आप उदास क्यों हैं आज, हाँ अब ठीक है, अब मुस्कुराते रहे अच्छा लगते हैं। देखिए इधर, अब एक 15 हमने कॉमन ले लिया, देखो साफ साफ दिख रहा है ऐसे कॉमन आ रहा है ना, तो कितना हो गया ये 2 बाई 1, है ना, यहाँ पे कितना बच्चा बेटा 10, और ये 15 चौके 60 होते हैं, जब 1 बाई 15 कॉमन ले लिया तो बता, निकी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो बता देना एकदम। अब एस एन सॉरी शक्तिमान, 11 अपॉन में 30, यहाँ क्या हो गया बेटा, 2 दुनी 4, 2 पंजे, बहुत अच्छे। अब एल्शियम, कैल्शियम लो बेटा, 2 दुनी 4 प्लस 5 अपॉन में 2, कैल्शियम लेते मैग्नीशियम आ जाता है, ठीक है, 11 बाई 30। अब ऊपर का हो गया बच्चा 9, और नीचे का हो गया बच्चा, कुछ कटेगा क्या, कटेगा 3 एकम 3, 3 3 9, अरे कुछ तो कट रहा है यार, 33 अपॉन में 20, 0.1 आंसर आ रहा होगा ज़्यादा, और क्या ये आ रहा है आंसर, ठीक है, गलत आंसर है, आंसर गलत है, चेक करो। आंसर
ठीक है बेटा, सभी को मेरा राम राम, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखो बेटा अब यहां पर कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन में सम निकालना है, तो हमें एन ही नहीं पता तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम एन निकालेंगे, ठीक है। एन निकालने के लिए क्या करेंगे, नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा उधर हो जाओ पीछे, पहले वाला है ना, हम एन निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने पहले बताया था। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ए एन की वैल्यू कितनी है बच्चा, माइनस का 230। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा हूँ, सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू ये हो गई बच्चा, ठीक। एन हमें पता नहीं है, ए कितना है बच्चा, माइनस का 5, और डी कितना है बच्चा, ए टू माइनस ए वन, तो माइनस 5 माइनस का 8 कितना आएगा बच्चा, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, सॉरी शक्तिमान है ना। अब यहाँ पर एन की वैल्यू रखोगे आप 230, ए की वैल्यू माइनस 22, एन की वैल्यू कितनी निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी 3 है, तो इसको इधर ले आओ बेटा, 230 ये प्लस 5 हो गया एन माइनस 1, और ये चला गया डिवाइड में, तो ये हो गया 225 माइनस का, और 3 से काटेंगे तो क्या होगा भैया, एक गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, इधर देखो, एक मिनट, गड़बड़ ये हुई है, 8 यहाँ रखना था और 5 इधर रखना था, हाँ कोई बात नहीं, माइनस का 3, तभी तो कहूँ माइनस में कैसे आता, माइनस का बता था आपने कर दिया, कोई बात नहीं, ये गलत बात है भैया, अच्छा दीपक जी कोई बात, कंट्रोल योर सेल्फ, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, अब 3 7 21 और 3 5 15, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 76, अब ठीक है, एन की वैल्यू 76 आ गई, यहाँ तक कोई डाउट, अब आप क्या करेंगे बच्चा, आप जो है एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला एन बाई 2a + l, उससे भी हो जाएगा मगर ये शॉर्टकट है थोड़ा, है ना, एन की वैल्यू कितनी बच्चा 76/2, और ए की वैल्यू कितनी बच्चा -5, एल कितना है हमारा लास्ट टर्म, माइनस का 230, तो 76/2 ये कितना आएगा 225, दो सौ 35 माइनस माइनस प्लस होगा ना, ठीक है, अब इसे काट लो, इसका कितना आएगा 3 और 8 38, अब इसे मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चा, माइनस का 8 9 आंसर, ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से, सेकंड वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोग करके दिखाएंगे, जल्दी करके दिखाइए फटाफट फास्ट, बस इतना रहने देते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, तो प्लीज़ बेटा इसे करना जरूर, वीडियो को पॉज करके, किसी को फिर भी दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, सभी को मेरा राम राम।